आज पूरा देश राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मना रहा है। सभी जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसकी पहचान करना ही बड़ा कठिन है। कैंसर के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जिसकी पहचान करना काफी मुश्किल होता है। कैंसर की पहचान, इसकी रोकथाम और इसके इलाज के तरीकों की जागरूकता को लेकर हमारा देश हर साल 7 नवम्बर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाता है। इसी क्रम में आज कटिहार सदर अस्पताल से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर के एन सहाय कर रहे थे। यह जागरूकता रैली सदर अस्पताल से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः सदर अस्पताल आकर संपन्न हो गई। रैली के दौरान लोगों के हाथ में कैंसर जागरूकता संदेश लिखी हुई कई तख्तियां भी थी। जन जन को समझाना है कैंसर को हराना है, जन जन को समझाना है कैंसर को हराना है, जन जन को समझाना है कैंसर को हराना है, जन जन को समझाना है कैंसर को हराना है, जन जन को समझाना है कैंसर को हराना है। तंबाकू से नक्ता तोड़ो, स्वास्थ्य से जीवन रैली के समापन के बाद सदर अस्पताल परिसर में जागरूकता शिविर भी लगाया गया, जिसमें डॉक्टर के एन सहाय एवं इस बीमारी से जुड़े अन्य डॉक्टरों ने कैंसर के लक्षण, रोकथाम एवं इसके इलाज के संबंध में वहां मौजूद लोगों को विस्तृत जानकारी दी। सदर अस्पताल में एनसीडी के अंदर में हम लोग कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए हैं, और ये जो रंजना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चे आए हुए हैं, प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, अपना प्रोसेशन वगैरह में से शामिल हुए हैं, ये लोग कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह भी किए हैं। और कैंप के बाद हम लोग जो भी पेशेंट जो भी आया है, उन लोगों का स्क्रीनिंग वगैरह का प्रोग्राम किए हैं। इसमें डायबिटीज का जैसे शुगर जाँच हुआ, ब्लड प्रेशर जाँच हुआ, या कैंसर संबंधी जो भी स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, सब लोग किया है। तो अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा आज का, और ये तो 14 तारीख तक है अवेयरनेस, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सर आए हैं स्टेट से, डॉक्टर के एन सहाय SPO हैं सर, स्टेट प्रोग्राम अफसर हैं कैंसर टीम के, सर के सामने हो रहा है ये, और अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, अन्य रोगों के तुलना में इन दिनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रोग की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर एक उसका एक हिस्सा है। आप देख रहे होंगे समाज में आए दिन कैंसर की से ग्रसित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संभवतः ये कैंसर के लोग, क्योंकि जांच की सुविधाएं हम सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है, हर ज़िले में जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं, उसकी वजह से या कुछ थोड़ी बहुत जागरूकता की वजह से या स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी, जिसमें जांच की सुविधा भी है, की वजह से कैंसर के रोगी या संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है और आगे फर्दर इलाज हो रहा है। हमें सरकार के रूप में ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी कैंसर से ग्रसित लोग हैं, उनके जीवन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। कैंसर एक बार यदि हो गया, अर्ली स्टेज में है, तो उसकी लाइफ को हम, जिसका नाप है 5 साल, मैंने हर कैंसर को ज़िंदगी को हम लोग 5 साल के टर्म्स में ही देखें कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल के अनुपात में कितनी। तो ये है कि यदि मरीज की का कन्फर्मेशन अर्ली स्टेज में हो जाता है, तो उसके लाइफ को हम 20-20 साल तक भी कर सकते हैं। लेकिन वही मरीज यदि लेट स्टेज में पहुंचता है, 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में पहुँचता है, उस समय वही बीमारी 2 साल भी नहीं जिंदा रहने देती है मरीज को। कहने का मतलब है कि जितना जल्दी हम
उसकी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी उसका हम कंफर्मेशन करेंगे और जितना जल्दी हम उसका इलाज करेंगे, मरीज़ की ज़िंदगी उसी अनुपात में बढ़ेगी या रहेगी। इस क्रम में भारत सरकार कैंसर के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखलाई है। सभी जगहों पर, अधिकांश जगहों पर बिहार सरकार के द्वारा होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है उसके सहयोग से राज्य के 3800 जिलों स्क्रीनिंग टीम लगाई गई है। उन ये ब्लॉक में हर जगह जाके, हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाके इन्हें इस तरह से प्लान किया गया है, करवाया जा रहा है कि हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एरिया में जाके स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग का है एक केस ग्रुप बनाया गया है कि इन्हें किस में करना है, जिसमें कि हमें पहचान जल्दी भी हो सके। क्या हम 60 साल में करेंगे तो पहचान करेंगे फ़ायदा ही क्या निकलेगा। तो हमें इकोनॉमिक एज ग्रुप, जहाँ पर जो एज ग्रुप राष्ट्र के लिए निर्माण करता है, युवा या थोड़ा एल्डर्स, यानी कि 30 साल से 60 साल के एज ग्रुप में हम इसकी पहचान को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जितने भी लोग आते हैं, ना कि कैंसर, जितने भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में, उनको NCD क्लिनिक के में उन्हें ये कहा जाता है कि अपने शुगर की भी जांच कराएं। NCD का एक महत्वपूर्ण अंग है ब्लड शुगर का होना, महत्वपूर्ण अंग है ब्लड प्रेशर का होना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली लाइफ एक्सपेक्टेंसी को घटाता चला जाता है ना। शुगर से किडनी फेल होगा, आँख में आएगी परेशानी, हार्ट में परेशानी होगा, सिमिलरली बीपी से स्ट्रोक वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को और साथ साथ में कैंसर को सब संयमित करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास चलाया है। तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, उनको NCD क्लिनिक में BP और इसकी जांच हो जाती है, साथ साथ उनका जो मुख्य अंग है शरीर का जहाँ की कैंसर की संभावना आसानी से देखी जा सके। यूँ तो किसी शरीर के किसी हिस्से में कैंसर हो सकता है, लेकिन आसानी से जहाँ पर पहचान किया जा सके, क्योंकि बिहार में हम लोग देखते हैं खैनी का रिवाज बहुत ज़्यादा है, गुटखा का रिवाज ज़्यादा है, पान मसाला का रिवाज ज़्यादा है, ठीक उसी तरह से सिगरेट बीड़ी का है। तो ये सब कैंसर के कारक हैं। तो इन कारणों की वजह से जो कैंसर की संभावनाएं बिहार में या अन्य जगहों में जहाँ भी ऐसी बातें होती हैं वह बढ़ गई हैं, तो हम ओवरऑल कैंसर आसानी से जांच कर सकते हैं, संभावित की पहचान कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर आसानी से कोई भी महिला यदि उसको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए तो वो अपना ब्रेस्ट में यदि कोई गांठ है उसको वो पता कर सकती है, और यदि पता कर सकती है और हम इतने उसको जागरूक बना दिए तो उसका वो हॉस्पिटल में जाके उसका निदान भी करवा सकती है। सिमिलरली किसी अधिकांश एज ग्रुप में, 30 वाले में, है ना, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो या अदरवाइज भी हो, HPV के इन्फेक्शन की वजह से हो, महिलाओं में ल्यूकोरिया की शिकायत बहुत होती है, और ये ग्रेजुअली ये देखा जा रहा है कि ऐसे केसेस में जो HPV से संक्रमित है या ल्यूकोरिया है, ये बाद में कहीं मच्छरदानी के कैंसर में कारक नहीं बन जाए। तो इसलिए हम लोग अभी तीन प्रकार के कैंसर ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल, तीन प्रकार के कैंसर के बारे में जिसका हम आसानी से जाँच कर सकते हैं, है ना, और मास जाँच कर सकते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, उसकी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। सरकार ने ये तय किया है अवेयरनेस करेंगे, तो अवेयरनेस करेंगे ये अभी जब जो सप्ताह शुरू हो रहा है 7 से 14, इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मास अवेयरनेस करेंगे रैलीज वगैरह वगैरह के माध्यम से, ताकि लोगों में इस बात का प्रचार हो कि जो ओरल में मुँह में छाले वगैरह हो गए हैं या ब्रेस्ट में गांठ वगैरह पड़ गया है या लिकोरिया वगैरह की शिकायत है, इसकी जानकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैले, और उस और वो जो है लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जो संभावित संक्रमित हैं, जिनको लाभार्थी कहेंगे अब, वो आवें और अपनी जांच करावें और यथासंभव यथाशीघ्र इससे वो उसको निश्चित हो लें कि ये कैंसर नहीं है, या ये कैंसर है तो अर्ली स्टेज का है तो उसका इलाज भी तुरंत सुनिश्चित किया जाता है। ये हम लोग कैंसर सरकार कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छे प्रयास इन लोगों ने किया है, रैलीज निकाली हैं, और एक प्रयास है कि यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये जागरूकता फैलाने की बात हो रही है, और आप लोग इसको फैलाएं, मास जनमानस तक इसको फैलाएं, ताकि लोग यदि ये तीनों बात जो हमने बताई, इस तरह की बातें हैं, मुंह में छाले,
है ना, और अल्सर जो जो ना ठीक हो रहा हो, छाती में सीने में गांठ या लिकोरिया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो से यदि कोई महिला या कोई पुरुष मुंह वाले बात से वो ग्रसित है तो उसी ग्रह पे सीध वो उसकी जांच कराए और उसका निदान कराए। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी ना भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण, मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।